नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। खटीमा में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई। पुलिस द्वारा अलग अलग सूत्रों के माध्यम से पता लगाया गया कि आखिरकार जनता के पैसे पर बड़ा मुनाफा देने के नाम पर 70 से 80 लाख की ठगी करने वाले लोग कहाँ रह रहे हैं। इसी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खटीमा पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों पर कई आपीसी की धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। कोतवाली खटीमा में फरवरी 2022 में ये बानुसी के रहने वाले हैं सत्यपाल सिंह, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई कि यहाँ नारंगमत्ता क्षेत्र और खटीमा क्षेत्र में ये कुछ लोग सरमाउंट इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी खोलकर लोगों से उसमें ज़्यादा पैसे देने के लालच में उनसे पैसा जमा करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त वो भेड़ या बकरियों के लिए लोन भी देते हैं और इसमें मतलब उच्च ब्याज दर जैसे कि 12% 15% के दर पर RD या FD खोलते हैं और उसके बाद लोगों का पैसा लेकर वो कंपनी ही बंद करके फरार हो जाते हैं। वहीं बिजनौर में तेज रफ्तार बाइक ट्रक ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला अफजलगढ़ के भूतपुरी इलाके का है। वहीं बदायूं में लाइनमैन के साथ बिजली सही करने खंभे पर चढ़े युवक की करंट लगने से मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने खितौड़ी बिजली घर का घेराव किया। युवक लाइनमैन के साथ बिजली सही करने के लिए खंभे पर चढ़ा था, वहीं करंट लगने से लाइनमैन भी झुलस गया। मामला बंसोपुर गांव का है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। नाम आपको? मेरा नाम नया सुबह। कौन सा गाँव? बंसीपुर। क्या मामला है ये? ये मतलब लड़का हमारे ये बाप ट्यूबल पर जा रहा हो अपने वहाँ, तो ये वो लान में और वही दूसरी चक्की बार मतलब लेवा के ले गए। अच्छा। हाँ जी, ना जा रहा हो तब भी लेवा के ले गए। उन्नीस चल चल। फिर क्या हुआ? फिर ये मतलब वहाँ पहुँचे रामपुरिया, तो वहाँ मतलब ये ऊपर चढ़े मतलब ये मतलब वहाँ लाट छोड़ दी हीटर पे थे ये मतलब हम तक गिर गो। कौन सा बिजली घर ये बिजली वो खिथौरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पैरा तैराक बिखर रहे सामान्य खिलाड़ियों की रोइंग में जलवा। पूरे देश से खेल के नगीने चुनना हर खिलाड़ी को आगे बढ़ाने का अवसर और सबकी प्रतिभा का सम्मान, खेलो इंडिया का यही उद्देश्य है। इसी मूल मंत्र के साथ गोरखपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रोइंग प्रतियोगिता में असम से आए अन्यतम राजकुमार सबसे सलामी पाने के हकदार बन रहे हैं। रोइंग के इस राजकुमार की दास्तां वाकई सबको प्रेरित करने वाली है, कारण अन्यतम खिलाड़ियों के इस महाकुंभ में शारीरिक रूप से विशेष होने के बावजूद जोश से लबरेज होकर सामान्य श्रेणी की दोनों रोइंग स्पर्धाओं में टक्कर देने आए हैं। अन्यतम राजकुमार दिव्यांगता की मानसिक मंदित श्रेणी में आते हैं। मस्तिष्क का सामान्य विकास न होने के साथ उन्हें बोलने में भी कुछ परेशानी आती है। वर्तमान में वो असम की कॉटन यूनिवर्सिटी में BA 5वें सेमेस्टर के छात्र हैं। अनितम की प्रतिभा को विशेषतम कहना गलत नहीं होगा। रोइंग का यह राजकुमार तैराकी के अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक स्पर्धाओं को का भी राजा है। उनके साथ आए पिता दीपेन राजकुमार ने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी वो काफ़ी कमजोर थे। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए 6 साल की उम्र में उन्हें तैराकी सीखने के लिए जब पानी में उतारा गया तब उनकी क्षमता परिवार को समझ में आई। हाँ जी, ये हमारा लड़का है, ये ओनली माय सन अन्यतम राजकुमार कॉटन यूनिवर्सिटी असम से। ये बाय बर्थ, जन्म से ये थोड़ा सा या समझने के लिए कमजोरी है, बोल लेता है लेकिन बोलने में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा नहीं है। अभी तक किसका क्या अचीवमेंट है? अभी तक बहुत कुछ अचीवमेंट है उनका। वो पहला नेशनल ये स्विमर था पहला।
वहीं बस्ती जिले के कलवाड़ी थाना के रामपुर गांव में 75 वर्षीय महिला का शव घर में मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका के सर पर चोट और गले में रस्सी कसने के निशान पाए गए हैं। नाक से खून भी बह रहा था। चोरों के गैंग पर हत्या करने का आशंका जताई जा रही है। शव मिलने के सूचना के बाद पुलिस जब घर में पहुंची तो अलमारी का ताला टूटा हुआ था। घर के कई सामान चोरी थे। अलमारी में रखा जेवर और बकरी बेचकर रखा गया पैसा भी गायब था। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी गोपाल चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा किए। जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। ये थाना कलवारी में ग्राम रामपुर में आज 4 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम बासमती उम्र 65 वर्ष है अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। पुलिस की टीम फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया कोई चोट नहीं दिख रही है। पीएम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। अग्रिम कार्रवाई वहीं आगरा में जयंत चौधरी के दौरे का आज दूसरा दिन है। जयंत चौधरी मलपुरा के जरुआ कटरा पहुंचे जहां कार्यकर्ताओं ने जयंत का भव्य स्वागत किया। जयंत समरसता अभियान के तहत लोगों के बीच जा रहे हैं, साथ ही नुक्कड़ सभाओं कर लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरा दिन है, कैसा जनसमर्थन लग रहा है? झारुआ हमारा मजबूत गांव है और गांव के बैठक में हमने अपनी बात कही, सीधा संवाद लोगों से। ऐसे मौके बार बार नहीं, बड़ी सभाओं में इतने करीब से मैं अपने लोगों को नहीं देख पाता हूँ। यहाँ उनकी जो तस्वीर, उनकी रोज की जो तस्वीर है वो मैं देख पाऊँ। मल्टीपल लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक जनता की तरफ से? बहुत एनर्जी मिलती है। वहीं पीलीभीत में 2 दिन से लापता चल रहे बीबीए के छात्र की बरामदी न होने के कारण परिजनों ने व्यापारियों के साथ पुरनपुर कोतवाल के आवास पर पहुंचकर घेराव किया। घेराव कर छात्र को बरामद करने की मांग रखी तो वहीं पुलिस ने भी परिजनों को आश्वासन दिया है कि पुलिस लगातार छात्र को खोजने का प्रयास कर रही है। दरअसल मामला पुरनपुर थाना क्षेत्र के चौक इलाके का है, जहाँ के रहने वाले सतीश वर्मा का 20 वर्षीय भतीजा जतिन वर्मा 26 मई को सुबह 8 बजे बरेली स्थित सिद्धिविनायक कॉलेज जाने की बात कहकर निकला था। छात्र जब घर नहीं आया तो परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। पहले तो परिजनों ने छात्र के मोबाइल पर कई कॉल किए लेकिन मोबाइल नंबर बंद आने लगा। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए छात्र का फोटो जारी कर परिजनों ने छात्र की तलाश शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पुरनपुर कोतवाल पुलिस को दी गई लेकिन छात्र का कोई पता नहीं लग सका। रविवार सुबह जब 2 दिन बीत गए फिर भी जब छात्र का कोई पता नहीं लग सका और न ही पुलिस छात्र को बरामद कर पाई तो आक्रोशित हुए व्यापारियों ने परिजनों के साथ पुरनपुर कोतवाल के आवास पर पहुंचकर कोतवाल आशुतोष रघुवंशी का घेराव कर दिया। व्यापारियों ने परिजनों के साथ छात्र को सकुशल बरामद करने की मांग उठाई। परिजनों का कहना है कि छात्र की लोकेशन बरेली में सर्विलांस की मदद से मिली थी। इसके बावजूद पुलिस टीम बरेली तो गई लेकिन लोकल पुलिस की मदद लेकर छात्रों को खोजने की जहमत नहीं उठाई। वहीं बहराइच में मेला प्रभारी वीरपाल सिंह और हयात अहमद SI ने फ्लैग मार्च निकाल सुरक्षा की दृष्टि से दरगाह शरीफ मेले में लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया और मेले में कई स्थानों की पुलिस और CO ट्रैफिक प्रभारी, महिला पुलिस और पुलिस के जवान पूरे दिन रात सक्रिय रहते हैं। वहीं मेला प्रभारी वीरपाल सिंह ने अकीदतमंदों की भीड़ को देखते हुए ठहरने के स्थानों पर साफ सफाई, रोशनी, पानी की खास व्यवस्था भी देखी। वहीं महुआ में जगत गुरु संत रामपाल महाराज के तत्वाधान में गरीब साहिब जिनके प्रकट दिवस के उपलक्ष में एक विशाल शोभा यात्रा चित्रकूट मंगल के जिला महोबा में निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में संत रामपाल महाराज के अनुयायियों द्वारा भाग लिया गया। शोभा यात्रा बहुत ही शांति और व्यवस्थित तरीके से निकाली गई। वर्तमान समय में समाज में व्यापक रिश्वतखोरी, नशाखोरी, भ्रूण हत्या, भ्रष्टाचार, जुआ खेलना, शराब पीना, दहेज लेना और देना, चोरी करना इत्यादि कुरीतियाँ मानव समाज में व्याप्त है। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जनमानस को जागरूक करने हेतु ये शोभा यात्रा का आयोजन किया गया।
जिससे लोगों में जागरूकता फैले और अंधविश्वास और बुराइयों से समस्त मानव समाज समय रहते सचेत हो जाए। वहीं प्रयागराज में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की सहायता से ट्रॉली के अंदर दबे लोगों को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायलों को CHC में प्रथम उपचार कर शहर के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। अलीगढ़ मुख्य बाजार SV प्लाजा मैरिस रोड के सामने से नाले का जाला चोरी करते हुए सफाई कर्मचारी CCTV कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि ज्यादातर नाले पर ढके लोहे के जाल हैं जो कि गायब हैं। गटर खुले होने पर भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, वहीं कई लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं। वीडियो आने के बाद नगर निगम के कर्मचारी की पोल खुल चुकी है। पूरा मामला थाना नवादा क्षेत्र के इलाइट चौराहे के पास है, जहां कल रात श्रद्धा गुप्ता इलाइट चौराहे पर बने शताब्दी ट्रेवल्स पहुंची थी। वो अपना एक बैग अपने बैग ऑटो में भूल गई, जिसके बाद ऑटो वहां से चला गया। वहीं बैग न होने से परेशान श्रद्धा ने इसकी जानकारी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को दी। वहीं कुछ दूर जाने के बाद जब ऑटो चालक ने देखा कि बैग गाड़ी में रखा हुआ है, तो ऑटो चालक इशाक खान द्वारा बैग को थाना नवादा बाद में ले जाया गया, जहां श्रद्धा पहले से ही बैठी हुई थी। वहीं उन्होंने जब ऑटो चालक को बैग के साथ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। श्रद्धा द्वारा ऑटो चालक इशाक खान का शुक्रिया अदा किया गया। वहीं श्रद्धा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो बैग ऑटो में छूट गया था उसके अंदर उनकी ज्वेलरी रखी हुई थी। वहीं उन्होंने ऑटो चालक की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऑटो चालक द्वारा बैग को खोला नहीं गया। ऑटो चालक इशाक खान की ईमानदारी की सभी ने प्रशंसा की। बोलना है। क्या नाम है आपका? मैं श्रद्धा गुप्ता सीपरी बाजार से बैठी थी शताब्दी के लिए। उसी बीच क्या हुआ, मैंने ऑटो में अपना बैग रखा हुआ था। जब मैं शताब्दी से के लिए उतरी स्टॉपेज पे, तब देखा कि मेरा बैग नहीं है। हम लोगों ने ऑटो में ही छोड़ दिया। सब जगह देखा, लाइक शहर सीपरी स्टेशन, कहीं नहीं मिला। फिर हम लोगों ने मतलब यहाँ पर खड़े पुलिस कर्मचारियों से हेल्प ली, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। मतलब किसी ने भी मना नहीं किया कि मतलब नहीं, आपकी हेल्प नहीं करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार को लैंड जिहाद मुबारक हो, लेकिन हरीश रावत के पास तो बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे, जंगलों की आग, बेरोजगारों को नौकरी और नलों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पूर्व में साधु संतों द्वारा हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग का स्वागत किया और कहा कि यदि साधु संत भाव के साथ कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे और एक स्वर में टिकट मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। गौरतलब है कि हरीश रावत हरिद्वार स्थित हरि सेवा आश्रम में आयोजित संत समागम में भाग लेने आए थे, जहां उन्होंने लैंड जिहाद को लेकर भाजपा की सरकार पर निशाना साधा। भैया मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ। सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए, जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए। हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के आम आदमी के कल्याण के लिए ज़रूरी हैं, हम उन पर लगे हुए हैं। बाकी उनको उनको उनके जिहाद मुबारक हों, हम तो। वहीं अलीगढ़ में AMU के वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग के प्रोफेसर पर शोध की छात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले छात्रा ने DGP और SSP को ऑनलाइन शिकायत भी भेजी थी, जिसका संज्ञान लिया गया। CO सिविल लाइन अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा ने AMU प्रोफेसर के खिलाफ छेड़खानी की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। के वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग की एक शोध छात्रा ने अपने गाय प्रोफेसर के विरुद्ध छेड़छाड़ व उत्पीड़न संबंधी आरोप अंकित करके एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर महिला थाने में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हज को इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है। हर साल दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से सक्षम मुस्लिमों को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा जरूर करनी चाहिए। हज मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नियोजन है। इस्लाम के अनुसार हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार हज जरूर करना चाहिए। हर साल सऊदी अरब के पवित्र मक्का शहर में दुलहिजा के महीने में हज की यात्रा की जाती है। दुलहिजा इस्लामिक कैलेंडर वर्ष का 12वां महीना है। महूबा में इस वर्ष हज के लिए 39 हज यात्री रवाना हुए। हज पर जाने से पहले हाजियों के द्वारा उनको अनेकों जगह नाते और कुरान की तिलावत का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के साथ साथ आवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान तकरीर का भी आयोजन किया गया और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ मांगी गई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।